हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो सिक्स क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। खेलने कूदने, दौड़ने, पढ़ने या अन्य प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इन सभी कार्यों को करने से हमारे शरीर की जो संचित ऊर्जा है वो खर्च होती है, जिससे हमें थकान अनुभव होती है, भूख लगती है और भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं इसको हम देखेंगे। भोजन की आवश्यकता, हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों है, इसके तीन मुख्य रीजन है। भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों के हेतु ऊर्जा की आपूर्ति है उसको बनाए रखता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि और विकास है उसके लिए भी उपयोगी है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखता है। तो भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, भोजन के आधार पर जंतु हैं उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है शाकाहारी, हर्बीवोरिश। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो होते हैं शाकाहारी। उदाहरण के तौर पर देखें तो गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, हिरण, ये शाकाहारी के एग्जाम्पल हैं। मांसाहारी, ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री जैसे कि मांस, मछली, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, ये मांसाहारी के एग्जाम्पल। तीसरा आता है सर्वाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो जंतु और पेड़ पौधे दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। इसका एग्जाम्पल है कौवा, कुत्ता, मनुष्य, ये सर्वाहारी जंतु है उसके एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है भोजन के स्रोत। हमें मालूम है कि भूख लगने पर समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार की भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दो मेनली सोर्स हैं, एक है पादप सोर्स, दूसरा है जंतु सोर्स। पादप सोर्स कौन कौन से हैं, अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल, शर्करा, तेल, मसाले, स्फूर्ति पेय पदार्थ, ये भोजन के पादप सोर्स हैं। अनाज ये अत्यधिक ऊर्जाहीन से हमें प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट के मेनली सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जो ये अनाज के एग्जाम्पल हैं। दालें, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की दालें जैसे चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, और ये पौधों के किससे प्राप्त होते हैं, बीजों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है सब्जियाँ। पौधे के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे हम देखें पौधे के भाग का नाम देखें तो फूल, फूल का यूज़ किया जाता है। फूल किसका यूज़ किया जाता है, सब्जी का नाम है फूल गोभी। नेक्स्ट है फल, फल भिंडी वो एक प्रकार का फल है। पत्ती है वो पालक की पत्तियाँ यूज की जाती है। आलू उसका तना यूज किया जाता है और मूली उसकी जड़ है वो यूज की जाती है। फ्रूट, फल भी पौधे के प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता, ये इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ हम देखें पौधे से प्राप्त फल सूखने के बाद खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। तो इनके क्या कहलाते हैं, सूखे मेवे कहलाते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये सूखे मेवे इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है शुगर। शुगर है वो हमें गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर है उससे भी शक्कर बनाई जाती है। गन्ने का जूस बनाया जाता है और गन्ने से गुड़ और शर्करा शुगर है वो भी बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है मसाले। दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। भोजन में अल्प मात्रा में यूज किए जाते हैं। भोजन को स्वाद और पौष्टिकता को बढ़ाने का कार्य ये मसाले करते हैं। एग्जाम्पल हम देखें तो हल्दी है, लौंग है, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है ऑयल। तेल भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। पादप के भाग से प्राप्त होता है, ऊर्जा के स्रोत हैं और पादपों के बीज या फलों से प्राप्त होते हैं। सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, ये ऑयल है। नेक्स्ट आता है स्फूर्ति पेय पदार्थ। हम देखते हैं कि चाय की पत्तियों का यूज किया जाता है सुखाकर और कॉफ़ी के बीजों को सुखाकर कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। तो ये चाय और कॉफ़ी क्या है, स्फूर्ति पेय पदार्थ है। नेक्स्ट आता है भोजन के सोर्स के रूप में जंतु। जंतुओं से भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री वो प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, अंडे, मछली इत्यादि। दूध या दूध से बने उत्पाद, अंडा, शहद, मांस। दूध से मेनली किसके स्रोत होते हैं, कैल्शियम के भरपूर सोर्स होते हैं दूध। नेक्स्ट आता है शहद। शहद है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। एक हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है, कई इसमें औषधीय गुण भी देखे जाते हैं। और शहद है वो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। अंडा हमें मुर्गी से प्राप्त होता है और मेनली हम देखें तो कैल्शियम और प्रोटीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांस, मछली, मीट से हमें क्या प्राप्त होते हैं, प्रोटीन के सोर्स होते हैं और ये हमें मांस, बकरा या मुर्गी, मछली इत्यादि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्षेत्रीय भोजन हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। भारत एक विशाल संस्कृति और भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों में जलवायु, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होने के प्रभाव,
यहाँ के खान पान वेशभूषा पर भी पड़ता है। हम देखें तो राजस्थान की दाल बाटी चूरमा फेमस है, मिस्सी की रोटी और सरसों का साग है वो पंजाब का फेमस है, इडली डोसा है वो दक्षिण भारत का इडली डोसा फेमस है। हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट भोजन। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्यौहारों पर अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्री है वो भी बनाई जाती है। तो आपको इसमें करना है सारणी 1.5 दी हुई है, क्षेत्र का नाम लिखना है, त्यौहार का नाम लिखना है और उसमें कौन सा व्यंजन बनाया जाता है। इस लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है कि सजीव वो भूख लगने पर क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन वो दो प्रकार के सोर्स हैं, जंतु सोर्स पादप सोर्स, और भोजन के आधार पर प्राणी हैं उनको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पादप और सब्जी, पादप से हमें सब्जियां तेल मसाले और जंतुओं से हमें दूध शहद अंडे मांस ये भोजन सामग्री के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल पौधे का कौन सा भाग है, तो वो है बीज वाला पार्ट है वो दाल होती है। ये भी हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है।